हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। एक कलम का मूल्य 20% कम हो जाता है, व्यक्ति 2 रुपए में 4 पेन अधिक खरीदता है, तो पुराना और नया रेट मालूम करना है। आपको एक वीडियो में बताया था जिसमें इतना केजी चावल अधिक खरीदता है, वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन टाइप कैसे बनेगा देखिए। प्राइस जो है, मूल्य है कितना है, 20% की कमी, तो 20% 1/5 होता है, तो 5 से प्राइस कितना हो गया 4, और क्वांटिटी कितना हो गया, क्वांटिटी आपका पहले अगर प्राइस ज्यादा था तो क्वांटिटी कम होगा, और जब प्राइस कम गया तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस कितना का गया 1 का। लेकिन यहाँ पे 4 पेन अधिक खरीदता है, यहाँ पे क्वांटिटी है, तो 4 खरीद क्वांटिटी लिखेंगे, रुपया नहीं लिखेंगे, रुपया 2 रुपये में अधिक खरीदता है, 2 रुपये में पहले खरीदता था लेकिन अब 2 रुपये में 4 और अधिक खरीद रहा है, तो क्वांटिटी 1 का डिफरेंस आया। हमें यहाँ पे क्या पुराना है 4, तो 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ क्वांटिटी में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 2 रुपये में पुराना रेट पूछे तो ये पुराना हो जाएगा, मतलब कि 1 रुपये में पहले 8 पेन खरीदता था कलम जो है, अब नया में कितना खरीदेगा, तो 2 रुपये में 20/20, मतलब कि 1/10। अब पहले अब नया में 1 रुपया 10 कलम अधिक खरीदेगा, देखिए इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक कलम का मूल 20% कम हो जाता है, तो एक व्यक्ति 6 रुपये में 4 पेन जो है अधिक खरीदता है, तो वर्तमान में 3 रुपये में वो कितना उपलब्ध होगा और पहले कितना था, मतलब कि नया रेट और पुराना रेट दोनों पूछ रहा है। तो देखिए, जो प्राइस था 20%, तो 20% क्या लिख सकते हैं 1/5, पहले प्राइस कितना था 5, अब क्या हो गया कम हो जाता था 4 हो जाता है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पहले जब प्राइस ज्यादा था तो क्वांटिटी हमें कम मिलेगा, अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगा, यही है क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोल रहा है कि 4 पेन अधिक खरीदता है, 6 रुपया ही पहले में खरीदता था, लेकिन पहले 6 रुपये में जितना खरीदता था अब उसमें प्राइस कम होने के कारण 4 पेन अधिक खरीदने लगा, तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है 4 का, तो इसको हमको 4 बनाना है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 हो जाएगा, अगर क्वांटिटी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 16 हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, पहले 6 रुपया में 6 में कितना 16, तो रुपया से क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वही टोटल आ जाएगा आपका, तो 3 से 8, मतलब कि पहले 3 रुपया में 8 पेन खरीदता था, 3 में पूछ रहा है ना, आप वर्तमान में कितना खरीदेगा, तो 6 में 20 है तो 3 से ये जाएगा और 10 से ये, तो अब 3 रुपया में कितना खरीदेगा 10, नया हो जाएगा ये पूरा, वर्तमान में 3 रुपये में कितना उपलब्ध होगा, पहले कितना था, तो नया 3 रुपये में कितना हो जाएगा 10, और 3 रुपये में पुराना कितना था 8। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, इसी में सेम टाइप है। कलम के मूल में 20% बढ़ जाता है, तो एक व्यक्ति 1 रुपये में अब 2 पेन अधिक खरीदता है, तो वर्तमान में 1 रुपये में कितना उपलब्ध है, तो देखिए 20-25%, तो 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, एक व्यक्ति प्राइस का लेता बढ़ जाता है, तो 4 से कितना हो जाएगा 5, क्वांटिटी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4, 1 का डिफरेंस है, लेकिन 1 रुपये में अब 2 है, यहाँ पे 2 पेन अधिक है लेकिन मुझे 1 आ रहा है, तो इसको 2 पुराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। आप बोल कह रहे हैं 1 रुपया में पहले 10 पेन खरीदता था, अब 1 रुपया में 8 पेन खरीदेगा, ये हो गया आपका पुराना रेट, और ये हो जाएगा नया प्राइस जो है हो जाएगा।
एक रुपया में अब 8 पेन खरीदेगा, पहले 1 रुपया में 10 खरीदता है, क्योंकि यहाँ पे 25% मूल बढ़ गया। तो देखिए कितना इजी एक लाइन का क्वेश्चन है, आप इसे विद इन 10 सेकंड के अंदर में निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वैशाली कैंपस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ऐड हो जाइए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।